कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। इटली में फेल हो गया है चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का सबसे बड़ा प्लान। आखिरकार चीन ने कहां पर गलती कर दी? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो एक दो नहीं बल्कि 16 के 16 भेजे रूस ने। क्या रूस की जान बचाएगा भारत? जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साल 2019 और साल 2021 ये दो महत्वपूर्ण साल थे जो चीन की जिंदगी में आए थे। 2019 में इटली चीन के राष्ट्रपति का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है BRI उसका हिस्सा बना और तब चीन को बहुत बड़े बड़े सपने जगने लगे, क्योंकि इटली के इस प्रोजेक्ट में आने का मतलब था यूरोप में फैल जाना इस प्रोजेक्ट का। और यूरोप में अगर फैलता है तो कितना मुनाफा होगा एक बात, दूसरा यूरोप पर कब्जा हो जाएगा चीन का। चीन ने बड़ा सपना देखा और चीन का ये सपना धीरे धीरे फल फूल भी रहा था और आपस में यूरोप के देशों को लड़वाने का काम भी चीन ने शुरू कर दिया था। लेकिन इटली में जॉर्जिया मेलोनी, इनके आने के बाद तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल धमाल सा मच गया है। इटली की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत भी आई थी और भारत में उन्होंने बहुत अच्छी मुलाकात भी की और मुलाकात के बाद कई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए, MOU भी साइन हुए और इन MOU में एक MOU डिफेंस का भी था। वैसे आपको बता दें इटली हमारे पप्पू का नानी घर भी है, तो वैसे भी रिश्तेदारी बनती है। पर इस इटली ने अब चीन के ऊपर जो झटका दिया है ना, उसकी चीन ने कल्पना नहीं की होगी। आपको बता दें इटली G7 का पहला सदस्य देश था जिसने चीन के इस BRI में शामिल होने के लिए हाँ कहा था और उस वक्त इटली को भी बहुत उम्मीद थी कि बहुत पैसे आएंगे, लेकिन चीन की वजह से लड़ाई की स्थिति पैदा होने लगी। इटली को लगा कि BRI से जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हुआ। 4 साल बाद भी इटली को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हमने जो इस प्रोजेक्ट पे हाथ लगाया हमें कहाँ फायदा हो रहा है, उल्टा इस प्रोजेक्ट के चक्कर में हम जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं। कोई कह रहा है ये नहीं करना है वो नहीं करना है, यूरोपीय यूनियन में युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। अब आपको बता दें इटली ने कहा कि अब हम इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं रह सकते हैं और ये बहुत बड़ा झटका है चाइना के लिए। चाइना बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन एक तो पहले से ही चाइना से खफा दिख रहा है, खास तौर पर 2021 के बाद। ऊपर से सितंबर 2022 में आई मेलोनी ने एक बड़ा झटका दिया चाइना को ये कह के कि हम BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। वैसे आपको बता दें कभी भी चाइना नहीं चाहता था कि मेलोनी यहाँ सत्ता पर आए, क्योंकि मेलोनी ने पहले भी कहा था कि हम वो करेंगे जिससे हमें फायदा हो न कि नुकसान हो। 2019 में $2.51 अरब लगाए थे इटली ने, आखिर उन्हें कहीं भी फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यूरोप से ही एक बड़ा झटका चाइना को मिला और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को मिला, पर अब आगे देखना है कि इटली के बाद कौन कौन से देश यहाँ पर बाहर होते हैं और चाइना को बाहर का रास्ता दिखलाते हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के रिश्तों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी सच्चाई है भारत और रूस का रिश्ता ये तय था कि भारत डिफेंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टर था, बहुत ज्यादा हथियारों की खरीद करता था रूस से, करीब 70% हथियारों की खरीद करता था। ऐसे में रूस के ऊपर निर्भर था और रूस को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ करता था। पर अब ज्यादातर चीजें भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अपने ही देश में बना रहा है। जब अपने देश में बना रहा है भारत, तो फिर भारत को जरूरत क्या है? आर्थिक तौर पर बात करें तो यहाँ भी झटका लग गया। यहाँ इसलिए झटका लग गया
क्योंकि दोनों का व्यापार का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अभी हमने हाल ही में देखा कि सरगेई लावारोव ने कहा कि हमारे पास बिलियन की संख्या में भारतीय रुपए हो गए हैं और हम उन रुपयों का क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि रुपए का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। ऐसे में रुपए रूबल को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत भी बंद हो गई। अब रुपए रूबल को लेकर जो बातचीत बंद हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ पर तेल के व्यापार को झटका लगेगा, ये बात भी तय हो गया। तेल की व्यापार ही छोड़िए, S-400 को लेकर भी ये बात हो गई कि S-400 भी अब एडिशनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा भारत को, क्योंकि पेमेंट को लेकर जो सिस्टम है वो सिस्टम बन ही नहीं पा रहा है। अब शुरुआती दौर में रूस ने भले मजबूरी में सारे तेल वेल बेचे हों, पर अब परिस्थितियां बदल रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने जो 4.5 घंटे रूसी राष्ट्रपति से बातचीत की है, ये इसका भी नतीजा है कि रूस के ऊपर चीन का दबाव बन रहा है कि आप युआन में पेमेंट करवाओ और युआन को ही आगे लाओ, डॉलर की जगह युआन एक केंद्र बनेगा। अब ये सारी चीजें बता रही है कि भारत और रूस के रिश्ते का भविष्य क्या होगा। भारत एक तरफ झुकाव रख रहा है कि वो क्वाड के साथ अपनी दोस्ती बनाकर रख रहा है, जिस क्वाड को पसंद नहीं कर रहा है रूस, और क्वाड को एक मिलिट्री संगठन बताता है। हाल ही में जब सरगेई लावारोव SCO की बैठक में थे, तब भी उन्होंने ऑकुस को क्वाड को लेकर ऐसी ही बातें कही जिसे सुनकर ये लगा कि रूस पूरा विरोधी है। वैसे जुलाई महीने में राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें तय होंगी कि पुतिन और PM मोदी के बीच आगे कैसा रहेगा, आगे सारी चीजें क्या बदलेंगी, या फिर जो पुरानी दोस्ती है उसी आधार पर चलेगा सब कुछ। पर इस समय एक और बड़ी चीज हो रही है, और वो बड़ी चीज क्या हो रही है, रूस यहाँ युद्ध में फंसा हुआ है। इस युद्ध में फंसे होने की वजह से रूस अब कई सारे देशों को हथियार और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और उन कई सारे देशों में भारत भी एक देश है जहां स्पेयर पार्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, और ऐसा ही दुनिया भर के कई देशों में हो रहा है। इसके दो कारण हैं, एक तो रूस यूक्रेन की अपनी लड़ाई चल रही है, यहां रूस को खुद के लिए स्पेयर पार्ट्स घट रहे हैं, उसे प्रोडक्शन करना है, और दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप या तो जंग में फोकस करोगे या प्रोडक्शन पे या और क्लाइंट पे, ये रूस के लिए समस्या बनी हुई है। और जैसे कि लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में रूस को और बड़ी संख्या में चाहिए हथियार, और भारत को चाहिए अपने स्पेयर पार्ट्स। इसके अलावा दुनिया ने जो खरीदा हुआ है रूस से, उन्हें भी चाहिए स्पेयर पार्ट्स। इसके लिए रूस और भारत ने एक उपाय निकाला है, और ये उपाय लंबे समय तक रूस और भारत के डिफेंस को बनाए रखेगा। और इस उपाय में रूस ने 16 कंपनियों को इजाजत भी दे दी है। दरअसल भारत ने एक प्रस्ताव दिया, कहा आप स्पेयर पार्ट्स बना नहीं पा रहे हो, हमें भी नहीं दे पा रहे हो, और अपने क्लाइंट्स को भी नहीं दे पा रहे हो, ऐसे में आप मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अपनी कंपनियों को हमारे यहाँ भेजो और हमारे यहाँ ये हमारी कंपनियों का इस्तेमाल कर स्पेयर पार्ट्स बनाएं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाएंगे तो स्पेयर पार्ट्स की संख्या कभी भी घटेगी नहीं, और ये बिल्कुल सही तरीके से समय पर मिल जाएगी। अब इससे दो ऑप्शन खुलते हैं, एक भारत दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकता है, और दूसरा रूस भी खरीद सकता है भारत से, और तीसरा रूस और भारत के डिफेंस के रिश्ते लंबे समय तक बने रहेंगे। वैसे 16 कंपनियां तैयार बताई जा रही हैं। ये कंपनियां भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्पेयर पार्ट्स बनाने को तैयार हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने सही दिमाग लगाया या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।